सांसदों के साथ नीतीश कुमार की बैठक चल रही है। दिल्ली आने के पहले सांसदों के साथ नीतीश कुमार ने बैठक की है। बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे नीतीश कुमार। दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे नीतीश कुमार और पटना में फिलहाल अपने सभी जीते हुए सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। जेडीयू के चुने हुए प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे हैं नीतीश कुमार और थोड़ी देर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उन्हें दिल्ली में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होना है और ऐसे में खबर मिल रही है कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस के तमाम नेता नीतीश कुमार को मनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार नीतीश बाबू मानते हैं कि नहीं, ये देखना ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन फिलहाल पटना में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। दिल्ली आने से पहले सांसदों के साथ नीतीश कुमार की बैठक और बैठक के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे नीतीश कुमार। और पटना से एक और खबर आपको बता दें, यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले हैं चिराग पासवान। अपने सांसदों के साथ सीएम हाउस पहुंचे चिराग पासवान और मुलाकात हुई। चुनाव जीतने के बाद पहली मुलाकात ही कही जा रही है। अपने सांसदों से साथ पहुंचे चिराग पासवान सीएम हाउस पहुंचे और सीएम दफ्तर में जाके नीतीश कुमार से बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। चुनाव जीतने के बाद पहली बार सीएम हाउस पहुंचे हैं चिराग पासवान और सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि मुलाकात हुई, क्या बात हुई ये तो नहीं पता, लेकिन इन मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। क्या चिराग पासवान और नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे, हालांकि अभी कह पाना मुश्किल है। राजनीति में संभावनाओं का खेल है, जहां संभावनाएं ज्यादा लगेंगी वहां दल जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये बात कही गई थी नीतीश कुमार की ओर से कि वे एनडीए के साथ ही हैं, एनडीए के साथ ही रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो गठबंधनों के जो दल हैं वो बदलते रहते हैं और दूसरे गठबंधन में भी चले जाती है। इंडिया अलायंस जब बना था तो नीतीश कुमार की कवायद पर ही इसको बनाया गया था, लेकिन ऐसे में अब नीतीश कुमार आज चिराग पासवान से मिले। चिराग पासवान उनके सीएम हाउस पहुंचे और अपने सांसदों के साथ नीतीश कुमार से मुलाकात उन्होंने की। नतीजों के सामने आने के साथ ही इंडिया अलायंस